यो व्हाट्सअप गैंग। तो आज मुझे ट्रैप कर दिया गया एक बोतल में भाई, और यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे मेरा टास्क ये है कि मैं सभी बोतलों को एक्सप्लोर करके और यहाँ के निकलने के लिए एंड ड्रैगन को मार के निकल सकूँ। सो देखते हैं कि मैं यहाँ से निकल पाता हूँ कि नहीं। लेट्स गो टू वीडियो। भाई सिंचन ने मुझे इस बोतल सर्वाइवल मैप में कैद कर दिया है भाई। अगर सिंचन मैं एक बार निकल गया ना तो बता रहा हूँ तुझे बहुत जोर से। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते इंडिया बॉय, तुम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो। देख रहे हो गाइस, सिंचन को तो एक अलग ही मस्ती चढ़ी हुई है। कोई नहीं सिंचन, मैं तुझे यहाँ से निकल के दिखाऊंगा। सो अभी पीछे बुक धर रखी है, इसे पढ़ लेते हैं। देखते हैं भाई कोई क्लू मिल जाए तो निकलने का यहाँ से। भाई रूल्स लिख रखे हैं सिंचन ने, बहुत मेहनत करी लगता है। वैसे ट्यूटोरियल दे रहे हो मुझे, एक प्रोलॉग को ट्यूटोरियल दिया जा रहा है। भाई सिंचन तू नूब है और मैं प्रो, मैं निकल के दिखाऊंगा। और भाई साहब बाहर क्या कड़ाके की बिजली कड़क रही है भाई, बहुत ही तेज थंडर स्टॉर्म आया हो बाहर, देख लो। और चेस्ट में क्या दे रखा है भाई, थोड़ा सा तो ऐसे ही रखा, कॉबवेब दे रखे हैं, ब्रेड दे, सब कुछ ले लेते हैं। और पट पट करता हूँ इन्वेंटरी अरेंज। और भाई चलते हैं माइनिंग पे। और यहाँ से नीचे की ओर्स की लाइन बिछी हुई है, जिस तरीके से रेंडमाइज है यहाँ पे सारे ओर हैं, डायमंड तक है। सो चलते हैं भाई। और ये रहे बाहर के आइलैंड, पहले ट्री ले लेते हैं, दे रखा था, झट से वुड माइन करके चलते हैं माइनिंग पे। जितना ज़्यादा माइन करेंगे अपग्रेड होंगे, और फिर सिंचन को भी तो बताना है कि उसने किस प्रो से टक्कर ली है। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कट कर देना प्लीज इसे। चलते हैं भाई माइनिंग पे, चलते हैं फर्स्ट ब्लॉक माइन। ओ भाई साहब लक देख रहे हो तुम मेरा, आते ही एक ब्लॉक माइन करते ही कॉल मिल गया। सो मैं मिलता हूँ माइनिंग करने के बाद, जितनी देर माइनिंग में लगती है उतनी देर बाद। सो गाइज आ चुका हूँ मैं, और देखो गाइज मुझे क्या मिला भाई, डायमंड मिले यहीं पे। सो मेरे पास आयरन की पैक्स नहीं है। ओ भाई साहब लक देख रहे हो, डायमंड के साथ आयरन भी, जल्दी से आयरन लेते हैं और पिकैक्स बनाते हैं। और मैं आयरन जल्दी से माइन कर लेता हूँ। इस मैंने आयरन स्मेल्ट कर लिया और बनाते हैं पिकैक्स। और ये मेरी पिकैक्स डन, अब चलते हैं डायमंड लेने जल्दी से। जल्दी से कहाँ गया रास्ता, ये रहा, मैंने बंद निशान लगा दिया था पत्थर का, ब्लॉक से चढ़ के आया था मैं। और ये रहा अपने डायमंड लेते हैं। सो ये पहला डायमंड, ये दूसरा डायमंड, और ये तीसरा डायमंड। तीन ही है क्या यहाँ पे? नहीं भाई नहीं, चार है चार। सो ये चौथा डायमंड, डायमंड हो चुके हैं। चलते हैं ऊपर, और मैं चलता हूँ डायमंड के पिक्स बना लेता हूँ, काम आएगी ऑब्सीडियन तोड़ने के। और पिकैक्स डन, और चलते हैं माइनिंग पे दोबारा से। सो चलते हैं माइनिंग करने के पश्चात। सो गाइस मैं आ चुका हूँ माइनिंग करके, और ये देखो मुझे क्या मिला। जैसा कि आपको मेरे हॉट बार में दिख ही रहा होगा, 9 डायमंड मुझे मिले हैं मुझे। क्रैशिंग चैन तू, मैं तुझे हरा के ही मानूंगा, बता रहा हूँ। मैं यहाँ से एस्केप करूँगा, देख लो अभी से डायमंड आ चुके हैं मेरे पास। सो डायमंड की से बना देते चेस्ट प्लेट, और फिर भाई मॉन्स्टर भी यहाँ पे, उनसे लड़ना तो पड़ेगा, इसलिए आर्मर कंप्लीट करते हैं सबसे पहले अपना, और थोड़ी फार्मिंग भी करेंगे। और ये मैं अपने स्टाइल में पहन के दिखाता तुम्हें, ऐसे ऊपर देखो और क्लिक करो, चेंज हो जाता है। हाँ पता है मुझे ये बहुत ही बकवास क्लिक थी, ये देखो मस्त है ना। ऐसे ये बैड बॉल्स में ज़्यादा काम आती है, जल्दी जल्दी आयरन आर्मर स्विफ्ट करना होता था। और बनाते हैं हम लकड़ियाँ और कुछ औजार, पिकैक्स, और एक हो बना लेते हैं। तो फार्मिंग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि फूड की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए दो हो बना चुका हूँ मैं। सो ये लेते हैं हाथ में और चलते हैं फार्मिंग करने, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। करते हैं फार्मिंग, और पॉकेट एडिशन में भी तो वैसे भी स्लोली फार्मिंग होती है। सोचे पहले जो वीट लगे हुए हैं उन्हें तोड़ देता हूँ मैं, ताकि उनकी जगह मुझे सीड मिल सके थोड़ी बहुत।
सो मुझे मिली हैं कुल 4 सीट, 2 वीट थोड़े 4, एक का डबल। सो गाइस मैं लगा लेता हूँ अपने सीड्स यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं लगाऊंगा भाई, ये पानी के से दूर है। सो यहाँ पे खोद के लगा देंगे, मेरा मतलब होल करके लगा देंगे। सो यहाँ पे एक सीड लगाते हैं और एक सीड लगाते हैं यहाँ पे, और करते हैं इंतज़ार। सो इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते, जितनी देर माइनिंग में लगी थी उतनी देर बाद। सो गाइस फाइनली एक ट्री उगा और भाई वी टू भी उग चुके हैं। सो लेते हैं अपनी एक्स और ट्री को छील देते हैं, छील नहीं मेरा मतलब काट लेते हैं। वैसे एक्स से तो छीला ही जाता, काट भी सकते हैं। सो काटते हैं, तो फार्म को काटने के बाद भाई 6 वीट मिले हैं, मुझे दोबारा से फार्मिंग करनी पड़ेगी यार। और 5 सीड हो चुके हैं, अब थोड़ा बड़ा हो चुका है अपना ये फार्म। तो अभी इन 5 वीट का क्या बन सकता है देखते हैं। 6 वीट मेरा मतलब 2 ब्रेड बन सकते हैं। तो खा लेते हैं भाई, आते खा गया। गाइज मैं सोच रहा हूँ यार कितनी देर लगेगी और इसमें फार्मिंग करने में, और भाई मुझे टाइम बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। सो कोई ना, जितनी देर पिछली बार फार्मिंग में लगी थी उतनी देर बाद। सो गाइज दोबारा से उग चुके हैं भाई, और इन्हें दोबारा से काटते हैं, और इस बार 2 या 3 ट्री उगे हुए हैं। सो चलते भाई कटाई शुरू करते हैं। कटाई गाइस तुम एक बार ऊपर तो देखो, देख लो भाई वो एप्पल सीधा ही बोतल से आर पार हो चुका है, और ये फोर्स पेड़ एकदम सूख गया और ये एप्पल बाहर। सो फ्रेंड्स इतनी देर फार्मिंग करने के बाद मेरे पास सिर्फ 9 ब्रेड हुए, और मैं लिजिट बता रहा हूँ इस फार्मिंग ने बहुत ही ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब किया था। चिंचन तू बस एक बार मिल, सारे टॉर्चर का बदला लूँगा मैं तुझसे। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, बाय बाय। देख रहे हो गाइस चिंचन को तो अलग ही मस्ती चढ़ी हुई है। सो आई गेस मुझे अब दूसरे बोटल्स में जाना चाहिए जो दूसरे आसपास उड़ रहे हैं बोटल्स। इसके लिए मैं लैडर्स बना देता हूँ ताकि चढ़ने में आसानी हो सके और भाई फॉल डैमेज ना हो ज़्यादा, क्योंकि मैं आधे टाइम तो फॉल डैमेज से ही मर जाता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने 15 लैडर्स बना लिए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे। ब्रिजिंग करके ऊपर चलते हैं। 2000 years later. So guys, finally मेरा ब्रिज रेडी हो गया, और यार मैं 10 बार से भी ज़्यादा मरा हूँ इस ब्रिज बनाने में, वो भी वॉइड में गिर के। सो जैसा फाइनली मेरा ब्रिज देख सकते हैं। तो गाइस जब मैं ब्रिजिंग कर रहा था तो मुझे एक अजीब सा पोर्टल दिखा जो रेड स्टोन से बना था, मेरा मतलब ग्लो स्टोन से बना था। आने वाली वीडियोस में हम इस पोर्टल को भी एक्सप्लोर करेंगे। जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, बाय।